तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं वापस आ चुका हूं अपने मिर्जापुर 3 ब्लॉक के पार्ट 2 में। दोस्तों मैंने बनारस का शूटिंग आपको दिखाया था, अब टाइम है मुंबई जाने का। आज मुझे मेरा टिकट मिल गया है मुंबई जाने का। तो दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा मिर्जापुर 3 का शूटिंग मुंबई में। तो मिलते हैं कल ट्रेन में। तो दोस्तों स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये देखिए पीछे है बनारस जंक्शन, यहीं से हमारी मुंबई LTT ट्रेन है। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। पीछे हमारा फ्रेंड अमन इंतजार कर रहे थे कि वहाँ पे मेरे मेरे सामने कुरकुरे और चिप्स लेके वेट कर रहे हैं। चलिए उनसे उससे मिलते हैं। सीट मैन, आइए राम राज सीट। तो दोस्तों ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, अब आप इसी तरह कुछ 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 ना कुछ दिखाते रहेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए मुंबई मिलते हैं मिर्जापुर के सेट में। दोस्तों अभी हम कांसे स्टेशन पहुंचे हैं, जस्ट मेरे घर के पास ही है ये स्टेशन। यार ट्रेन रुक क्यों गई भाई साहब, ये क्या मजाक हुआ है, साला ट्रेन रुक गई है, ये मजाक हो गया यार, बहुत गंदा वाला। अब शायद स्टार्ट भी हो गई। क्या यार 2 मिनट के लिए क्या रुकना था यहाँ पर। अभी दोस्तों आपको राजघाट पुल दिखाएंगे, जो बनारस में बेस्ट पुल है, बहुत पुराना पुल है, मतलब अंग्रेजों के टाइम का पुल है वो। तो अभी हम आपको पुल दिखाते हैं। यार कुछ दूर आने के बाद भूख लग गया और शायद ओम भाई को ज्यादा लग गया। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज चौकी। काफी मशक्कत करने के बाद, मतलब मशक्कत मजा ही था, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था यार कि कोई ढंग से बात करने वाला नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज चौकी, जहाँ 2 मिनट बस ट्रेन रुकेगी, तो हम लोग चलते हैं अंदर। ट्रेन कहीं खुल ना जाए, नहीं तो पापा वीडियो देखेंगे तो बहुत मारेंगे। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं 40 गांव कोई स्टेशन है। एक्चुअली ना क्या हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस को पास देना था, तो हमारी ट्रेन को रोक दी गई है। यार काफ़ी अच्छा इधर का एटमॉस्फेयर है यार, सच बता रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना भूख भी बहुत तेज लगी है, अभी जस्ट सो कर उठा हूँ मैं बाहर निकला, देखा ट्रेन रुकी हुई है, तो मैं पूछा क्या बात है,
चलिए मेरी ट्रेन की सिग्नल हो गई, मेरी ट्रेन की सिग्नल हो गई, हम अंदर जा रहे हैं, मेरी ट्रेन की सिग्नल हो गई दोस्तों, मिलते हैं। तो दोस्तों चलते चलते बोर होते होते पहुंच गए हैं नासिक, नासिक स्टेशन जहां अंगूरों के लिए और वाइन के लिए बहुत फेमस है। नासिक में बहुत कुछ है यार, क्या है बताया जाए। देखो नासिक स्टेशन पे अभी सब प्लांट्स लगे हुए हैं और कितने अलग ही, क्या बात है यार, सही है। भाई साहब क्या नजारे हैं यार, देखकर मजा आ गया। प्यारे प्यारे लोकेशन थे ना भाई यार, क्या ही बताऊँ, सच में बहुत मज़ा आ रहा है देख के यार। मतलब कि जैसा फिल्मों में देखा था ना वैसा ही हो रहा है, जैसा फिल्मों में होता है दिख रहा है वो। बहुत सारे बच्चे हैं इस पूछ में, लग रहे हैं चिल्लाने हाँ करके, और डर भी लग रहा है, काफी लंबा है। यार उतना लंबा सफर करके एकदम थक सा गया था, लेकिन जब कार में बैठा तो ड्राइवर भैया ने इतना अच्छा सॉन्ग सुना दिया। तो दोस्तों आज है अगला दिन और हम तैयार हैं सेट पे निकलने के लिए। ओम भाई पीछे जूता पहन रहे हैं, मैं फुल ड्रेसअप हूँ, कार भी नीचे आ चुकी है, बस हम लोग तैयार हो जाएं तो निकलते हैं।
अर्ज किया है कि 3 बार क्या 30 बार भी अपने प्यार का इजहार करूं तो उसे इजहार मत समझना। देखो कितना दर्द है लड़के के अंदर, दर्द नहीं है, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत काटा हुआ है। कि 3 बार क्या 30 बार भी अपने प्यार का इजहार करूं तो उसे इजहार मत समझना, तुम्हें फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करूं भी अगर तो उसे प्यार मत समझना। 3 बार क्या 30 बार भी अपने प्यार का इजहार करूं तो उसे इजहार मत समझना, तुम्हें फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करूं भी अगर तो उसे प्यार मत समझना। और चलो इस प्यार का आज राज खोलता, चलो इस प्यार का आज राज खोलता, मेरे दोस्तों ने कहा है मैं लड़की को फंसाने के लिए झूठ बोलता। क्या बल्ले 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 तो दोस्तों आपको मैंने ब्लॉग दिखा दिया, तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।